हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय किचन हरकोईशेफ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पना। ये कच्चे आम से बनता है और बहुत सिंपल है, और गर्मियों में ये लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ पना के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले ये एक आम है, कच्चा आम, जिसे मैंने उबाल लिया है कुकर में। तो आप एक आम, दो आम, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा था इसलिए मैंने ये एक लिया है। आपके अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप एटलीस्ट दो ले लीजिए, और कुकर में इसे इस तरह से उबाल देते हैं। तो ये मैंने एक आम लिया है। ये शुगर एक कटोरी, सॉल्ट, ये पुदीने का पाउडर है, आप फ्रेश पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था पुदीने का पाउडर, तो मैंने इसे ले लिया है। तो आप फ्रेश पुदीना आपके पास अगर अवेलेबल हो तो वो ले सकते हैं। और ये जीरा और ये काला नमक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं पना बनाना। तो सबसे पहले हम इस आम को लेंगे, और इसका जो स्पून से है ना, सारा जो गूदा है इसका, ये हम बाहर निकाल लेंगे। ये इस तरीके से, तो ये हमारा सारा गूदा निकल चुका है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें गूदे के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े, इनको हम छन्नी में छान लेंगे, ताकि ये सारे जितने भी टुकड़े हैं ना बिल्कुल बराबर हो जाए। छानने के लिए मुझे ये, मैंने एक पतीला लिया है, इस पे ये छन्नी लगाकर। तो अब ये छन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये छानने से मुंह में टुकड़े नहीं आते, एक बराबर हो जाता है, तो सही बनता है फिर। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आपका पानी की जो मात्रा है वो आम के खट्टेपन पे डिपेंड करता है।
अगर आम का आपका आपने जो आम लिया है वो बहुत खट्टा है तो आपको पानी ज़्यादा डालना होगा, और अगर वो कम खट्टा है या फिर बहुत से ऐसे मार्केट में कभी मिल जाते हैं जिनका खट्टापन बहुत कम होता है, वो बाद में पता चलता है, तो ऐसे में फिर खट्टा इसमें ज़रूरी होता है, तो आप उसमें लेमन का यूज़ कर सकते हैं जिसके जूस से वो थोड़ा खट्टा हो जाए। तो ये जो मैंने आम लिया है ये थोड़ा सा खट्टा है तो मैं इसके हिसाब से पानी डाल रही हूँ। ये पूरी तरीके से रेडी है, अब आइए इसमें सारा सामान डालते हैं जो हमने निकाल के रखा हुआ है पहले से। अब जितना क्वांटिटी में ये है मैं इस क्वांटिटी के हिसाब से सारा सामान डाल रही हूँ। आपका क्वांटिटी अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डाल सकते हैं। ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ये काला नमक, जो सफ़ेद नमक है ये थोड़ा सा पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी काला नमक पड़ चुका है, लेकिन सफ़ेद नमक का भी पड़ना ज़रूरी है तो ये ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये जो पुदीना का पाउडर है मैं ये डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप जब फ्रेश पुदीना यूज़ करेंगे तो उसको एक बार ये पहले मिक्सर में आप पीस लीजिएगा, उसका पेस्ट बनाकर उसके बाद आप इसमें डालिएगा। ये शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्योंकि ये खट्टा होता है, तो इसमें मीठा नमक और खट्टापन सारा बराबर ही रहता है, तो मेरे यहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा शुगर डालती हूँ, लेकिन आपके यहाँ जैसा लोगों को पसंद हो, कम मीठा होना चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है इसमें जो पड़ने वाली वो शुगर ही होती है जो सारी चीज़ों से ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें अब सारा चीज़ मिक्स कर दिया है, अब बस इसे इसका शुगर गलने तक हम इसे चलाएंगे। ये इसका शुगर है, तो अभी हमारा चीनी गल चुका है तो आइए अब सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पन्ना रेडी है, और ये रियली आप ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी होता है। एक बार जो पीना शुरू करता है फिर वो 2-3 ग्लास भी लेता है, तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और फेसबुक पे जाकर मेरे हर कोई शेफ पेज पे भी आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।